हेलो फ्रेंड्स, आप लोग आईफोन के बारे में तो जानते ही होंगे, दुनिया के प्रीमियम ब्रांड्स में से एक। तो क्या आप लोगों को पता है कि आईफोन इतने महंगे आखिर क्यों होते हैं? तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आईफोन के पार्ट्स को पहले लाया जाता है और फिर उसे असेंबल किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत सारी लेबर और भी जो टैक्स लगता है, जो सामान बाहर लाया जाता है उस पर, उसकी वजह से भी उसका प्राइस कुछ अप हो जाता है उसकी असेंबलिंग के लिए। और जितने भी मिडल मैन बीच में आते हैं उन्हें भी अपना हिस्सा मिलता है, जिससे कि उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और तो और जो सबसे बड़ी बात है कि आईफोन खुद का ही OS यूज़ करता है और उसके सभी पार्ट्स खुद के होते हैं, उसकी स्क्रीन को छोड़कर, जो कि सैमसंग बनाता है। तो ये तो हो गई नॉर्मली जो उसका प्राइस क्यों बढ़ता है, और भी स्मार्टफोन्स का बढ़ सकता है लेकिन आईफोन का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और तो और आईफोन्स में जो मटेरियल यूज़ होता है उसके हार्डवेयर बनाने में, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है और उसका सॉफ्टवेयर भी बहुत ही हाई एंड सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ही सिक्योर होता है और इजी टू यूज़ होता है। उससे डाटा लीक होने का डर नहीं होता और उसमें प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। जो मेन बात है वो है इसकी ब्रांड वैल्यू। आईफोन की, या कहें कि एप्पल कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। और तो और दुनिया में सबसे ज़्यादा आईफोन्स को ही ख़रीदा जाता है। यही कारण है कि आईफोन इतने ज़्यादा महंगे होते हैं उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से और उन पर जो बाकी टैक्स लगाए जाते हैं उनकी वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर।